दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 3 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने कीवी टीम को 90 रनों से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ न्यूजीलैंड का सुपड़ा भी साफ कर दिया है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 385 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 41 ओवर ही खेल सकी और 295 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अंतिम मुकाबले में इस बड़ी जीत के साथ ही भारतीय टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान भी हासिल करने में कामयाब हो गई है। तो दोस्तों आपको भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों 2 मैच पहले ही जीत चुकी भारतीय टीम तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करने के मिजाज से उतरी थी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हावी थी। दोनों इतनी तेज गति से रन बना रहे थे कि महज 25 ओवर में ही टीम का स्कोर 200 के पार चला गया था और ऐसा लग रहा था कि आज क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन जाएगा। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लंबे समय के बाद एक शतक जमाया और शतक के सूखे को भी खत्म किया। काफी देर से आलोचना झेल रहे रोहित शर्मा के लिए काफी राहत की बात थी। उनके ठीक बाद 26वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपना वनडे करियर का 4th शतक पूरा करके ये दिखा दिया कि भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट के अगले ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ही हैं। गिल और रोहित ने मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रन जोड़े। जब रोहित शर्मा शतक लगाने के बाद तुरंत आउट होकर पवेलियन लौटे, 230 की स्कोर पर गिल भी 112 रन बनाकर ब्लेयर टिकनर का शिकार हो गए। इसके बाद लगातार अंतराल पर टीम इंडिया का विकेट गिरता रहा। विराट कोहली ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो भी 27 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए स्कोर को 360 के पार पहुंचाया। उन्होंने 38 गेंदों में 54 रन बनाए, साथ ही अंत के ओवर्स में कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए। इस तरह भारत अंत में 9 विकेट के नुकसान पर 385 रन बनाने में कामयाब हो गया। न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर ने 3-3 विकेट लिए। अब इसके बाद 385 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। टीम के सलामी बल्लेबाज एलन पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद डेवन कॉनवे और हेनरी निकोलस के बीच 106 रनों की साझेदारी हुई। हेनरी निकोलस 42 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिचेल भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। हालांकि जब तक डेवन कॉनवे क्रीज पर मौजूद थे तब तक ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम आसानी से इस मैच को अपने नाम कर लेगी, लेकिन उनके आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम मानो ताश की पत्तों की तरफ बिखर गई। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे अधिक रन डेवन कॉनवे ने बनाए। इसके अलावा कोई अन्य कीवी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सका और अंत में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 295 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया की तरफ से सफल गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव रहे, दोनों ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों भारत न्यूजीलैंड का ये तीसरा मुकाबला आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।